आघात करती है। प्रॉपर उद्देश्य है इसका, बाल विवाह को रोकना, दहेज प्रथा को रोकना और ये फिजूल खर्ची को रोकना। हमारे इसमें यह है कि हम इसके ऊपर किसी तरह का बोझ नहीं है, मात्र 7,500 रुपये प्रति बार या प्रति वधू से ले रहे हैं। तो समाज ने कहीं 51,000, किसी ने 1,00,000, किसी ने 21,000, जो यथासंभव सहयोग किया है उससे हमारे पास पैसा इकट्ठा हुआ और हम उसमें से खर्च कर रहे हैं, ताकि हमारे ये जो वर वधू हैं जो शादी कर रहे हैं ये हम उनके भविष्य में कर्ज मुक्त हों और उनका जीवन राजी खुशी निकले। यादव समाज के इस प्रयास से उनके समाज में आज गरीब परिवार लोगों को काफ़ी फायदा हो रहा है। शादी अगर मैं घर से खर्चा तो कम से कम 4-5 लाख रुपए का खर्च होता और मेरे पास पैसे तो नहीं थे, पर मकान या कुछ गिरवे रख के जरूर है कि मेरे को ये शादी करना। पहले वाले से ये शादी थोड़ी कम खर्चे में मतलब हो गई। अंतर ऐसा कि जैसे कि फर्स्ट वाली शादी थी उसमें काफी जुगाड़ करना पड़ा पैसे का, कुछ थोड़े बहुत मेरे पास थे, बाकी के और जरूरत पड़ी थी यार दोस्तों से, रिश्तेदारों से, इनसे मिलके और हेल्प के हिसाब से पैसे लिए थे उनसे। लगभग कितना उधार लेना पड़ा इसके लिए? आप उसके लिए लेना पड़ा ना, मतलब 2 के लमसम पे लेना पड़ा, 2 लाख के लमसम। अभी वाली शादी में नॉर्मल खर्चा हुआ है। कैसे? जैसे कि 7,500 तो मतलब कमेटी मीटिंग वहाँ जमा करने पड़े थे सम्मेलन में। साढ़े सात हजार रुपये नॉर्मली जो है उनसे हमने 7,500 रुपये लिया है, जो विधवा महिलाओं के बच्चे हैं उनसे 5100 रुपये लिए हैं, और जो समाज जिनको ऐसा मानता है कि थोड़ी पुअर पोजीशन है उनको हम फ्री में, बिल्कुल विकलांग हुए और ऐसे पुअर पोजीशन के लोगों को बिल्कुल फ्री में शादी करवाए। भैया इधर देखो, भैया इधर देखो, समाज में यही संदेश भेज रहे हैं कि भाई दोबारा आप कहीं घर से शादी नहीं करें, जहाँ तक संभव हो सम्मेलन में शादी करें, और अपने इस होने वाले कर्ज या होने वाले भविष्य के नुकसान को देखते हुए सामूहिक विवाह सम्मेलन में शादी कर। एक राष्ट्रीय कार्यक्रम चल रहा है हमारे हर समाज में, कहीं 100 जोड़े हैं, कहीं 50 जोड़े, कहीं 250 जोड़े तक शादियाँ हो रही हैं, तो हमारा समाज भी इसमें आज 8वां सामूहिक विवाह सम्मेलन कर रहा है, आज सम्पन्न होने जा रहा है। जा रहा हूँ। अरे ऐसे कते का ले जाए तू, ये छोटो सो गया।